बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, द सिक रोज। सबसे पहले हम इस पोएम के टेक्स्ट को देखेंगे, फिर इसकी समरी क्या है, इसके अंदर क्या सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है पोएम का, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट से। ओ रोज़ दो आर्ट सिक, द इनविजिबल वार्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हॉलिंग स्टॉर्म has found out the bed of crimson jail, and this dark secret love does the life destroy। अब ये पोइम लिखी गई थी 1794 में और उसके सेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। उसके दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो उसकी पोइम है प्रेजेंट पोइम विच वी आर डिस्कसिंग द सिक रोज, वो पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में। अगर हम समरी देखें इस पोएम की, इन दिस पोएम द स्पीकर एड्रेसेस एंड इन्फॉर्म्स द सिक रोज। इस पोएम में स्पीकर एड्रेस किसको कर रहा है, रोज को, और उसको बता रहा है कि तुम सीखो, तुम बीमार हो, कि एक इनविजिबल वार्म जो है उसने ये स्टॉलिंग पूरे मौसम में, जो कि आंधी तूफान जैसा मौसम है, उसने चुरा लिया है तुम्हारे बेड से तुम्हारी उस चाम को, तुम्हारी उस ब्यूटी को, और जो रोज़ की अपनी एक खुशबू होती है, और उसका जो डार्क सीक्रेट लव है वो भी रोज़ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़त्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके एनालिसिस में हम देखेंगे कि रोज़ किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है, आखिर ये इनविजिबल वार्म क्या है, उसने क्यों रोज़ को डिस्ट्रॉय किया, और डार्क सीक्रेट लव उसका किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। अगर हम मेन थीम की बात करें तो मेन थीम डिस्ट्रक्शन है। कौन सी डिस्ट्रक्शन? वो डिस्ट्रक्शन जो नेचर काज करती है, जो नेचर लेके आती है ऑलमोस्ट तमाम स्पीशीज पे, जिन पे ये रोज भी इंक्लूड है। अब ये जो डिस्ट्रक्शन या नेचर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों पे बिलीव रखती है, इस पोएम के अंदर डिस्ट्रक्शन बताई गई है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन इनविजिबल फोर्स है वो नेचर को बताया गया है, जो इनविजिबल वार्म है वो नेचर है जो कि डिस्ट्रॉय कर रही है रोज़ को, और हर ह्यूमन बीइंग को रोज़ सिंबलाइज कर रहा है जो कि नेचर के हाथों डिस्ट्रॉय होता है। और जो क्रिम्सन जाय है, इट स्टैंड्स फॉर प्लेयर्स दैट आर शॉर्ट लिव्ड एंड मे डिसअपीयर एनी टाइम, एज इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट दैट प्लेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड। और डार्क सीक्रेट लव किसको स्टैंड कर रहा है? डार्क सीक्रेट लव उस लव को स्टैंड कर रहा है जो कि नज़र नहीं आता, जो कि हमें नज़र नहीं आता, और जो वो डार्क सीक्रेट लव भी जल्द ख़त्म हो जाएगा, कहीं अंधेरों में के अंदर ही वो गुम है। हाईली सिंबॉलिक पोइम है, उसकी सिक रोज़ कई चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें, जिसमें सफरिंग ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि नेचर के हाथों आवाम जो है वो डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, या फिर ये ब्यूटीज़ ऑफ नेचर को भी सिम्बोलाइज कर सकता है सिक रोज़, जो कि इंसानों के हाथों नेचर तबाह हो रही है, दरख्त काट दिए जा रहे हैं, समंदरों में दरियाओं में कूड़ा ही कूड़ा फेंका जा रहा है सिक रोज़। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे माहौलियाती सिस्टम है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ह्यूमन बींग्स के हाथों जो डिस्ट्रक्शन हो रही है नेचर की, उसको सिम्बोलाइज कर सकता है, इसलिए हम इसको तीन लेवल्स पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। द इनविजिबल वार्म मेंशन्ड बाय द पोएट मे स्टैंड फॉर नेगेटिव एम्बिशंस, और जो रोज़ है उसको लव के लिए हम सिम्बोलाइज कर सकते हैं, इनविजिबल वार्म को हम हेट्रेड और हॉस्टैलिटी के लिए सिम्बोलाइज कर सकते हैं, कि रोज़ जो होता है वो एक सिम्बल ऑफ लव है, सिम्बल ऑफ पीस है, जिसके ज़रिए से दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाया जाता है, जबकि इनविजिबल वार्म वो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो कि अंदर ही अंदर खाई जा रही होती हैं इन डिसीजंस को, इस तरीके से भी इसको इंटरप्रेट किया है क्रिटिक्स ने, और इस तरीके से भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ये थी डिफरेंट लेवल्स पे इस पोएम की इंटरप्रिटेशन, हर इन लेवल पे हम इसकी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब जो जो इसका बनता है अंदाज जिसमें बात की गई है विलियम ब्लेक की, लेकिन हर एक के लिए हमारे पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए जिसको हम उसके साथ टेक्स्ट के साथ मिला सके। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।